हिस्ट्री पे कि भाई सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, बताओ सेल को डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर द सेल, सेल हिस्ट्री। हाँ, सेल तो पहले से भी प्रेजेंट थी, है ना, ऐसा थोड़ी है कि सेल की पहली बार देखने को मिलेगी, सेल तो पहले से भी प्रेजेंट थी। यस निशा, कौन सा रॉबर्ट, हाँ रॉबर्ट कई पढ़ेंगे अभी अपन, हाँ कोई इसके मासी का बेटा, कोई भुआ का बेटा, हाँ तो वो सारे रॉबर्ट ही थे। यस रॉबर्ट हुक है ना, एक ए साइंटिस्ट था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, कौन सा, रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाला बंदा, फर्स्ट टाइम देखने वाला बंदा कौन था, तो वो था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। रॉबर्ट हुक क्या था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, और इसने कब देखी, 1665 में, कब देखी, 1665 में, क्या देखी, हाँ 1665 में इसने सेल देखी, लेकिन कौन सी सेल देखी, लाइव सेल देखी या डेड सेल देखी, हाँ सेल है, यस कौन सी सेल देखी, डेड सेल। 1665 के अंदर इसने क्या देखी थी, डेड सेल देखी थी, क्या देखी थी, डेड सेल। यस कॉर्क ऑफ ट्री में, है ना, हाँ कॉर्क ऑफ ट्री में क्या देखा था इसने, आपकी डेड सेल देखी थी। अब सुनो आगे बात, अगर मैं कहूं एक बंदा था रॉबर्ट हुक, इस रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 के अंदर क्या देखी थी, डेड सेल देखी थी, और डेड सेल किसमें देखी थी, पेड़ की छाल के अंदर, किसमें देखी थी, पेड़ की छाल में, पेड़ देखा है, पेड़ के ऊपर क्या होती है, छाल होती है, इस छाल के अंदर इसे क्या देखने को मिला था, डेड सेल देखने को मिली थी। अब सुनो, अगर मैं कहूं कि आप मार्केट गए, है ना, और मार्केट जाने पर आपको कुछ नया देखने को मिल गया, है ना, जो घर में किसी ने नहीं देखा, आपके दोस्तों ने किसी ने नहीं देखा, ऐसी चीज अगर आप मार्केट में देख के आ गए, तो गारंटी देता हूं अगले 2-3 दिन तक तो आप उसी चीज के बारे में बताओगे, जो मिलेगा उसको उसी बारे में बताओगे कि आज तो यार मार्केट में मेरे को ये देखने को मिला, आज मार्केट में मेरे को ये देखने को मिला, ऐसा होता है कि नहीं होता, हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता, हाँ। तो अगर किसी बंदे को पहली बार सेल देखने को मिली, तो उसने भी तो क्या किया होगा, बताया होगा, है ना, तो रॉबर्ट हुक ने बताने के लिए क्या कर दी थी, बुक पब्लिश कर दी थी, बताने के लिए क्या पब्लिश कर दी थी, बुक पब्लिश कर दी थी सेल के बारे में, जो पहली बुक पब्लिश हुई थी उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। इसके माइक्रोग्राफिया में आपके रॉबर्ट को, रॉबर्ट हुक ने पूरी की पूरी डेड सेल के बारे में सारी बातें लिखी, कि जो डेड सेल होती है वो अंदर से क्या होती है, खाली होती है, डेड सेल क्या होती है, अंदर से खाली होती है, है ना। अगर मैं कहूं लाइव सेल, आगे हम सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो मैं कहूंगा कि जो लाइव सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसके अंदर राइबोसोम भी होते हैं, इसके अंदर लाइसोसोम भी होता है, कई ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डेड सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, डेड सेल में कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमने कहा कि बुक पब्लिश की माइक्रोग्राफिया, और इस बुक के अंदर इसने क्या लिखा, नो सेल ऑर्गेनिल, नो सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द डेड सेल। इसने देखा कि जो डेड सेल है, इस डेड सेल के अंदर, हाँ ये कौन, शीतल, शीतल है, हाँ कैमरा ऑफ रखा करो, है ना, हाँ पता चला कि घर का एनवायरनमेंट यहां दिखने लग गया, हाँ पब्लिक चीजें, प्राइवेट चीजें पब्लिक हो जाएगी। यस सुनो, अपन ने कहा कि बुक पब्लिश की क्या नाम रखा, माइक्रोग्राफिया नाम रखा, क्या नाम रखा, माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया में उसने क्या बताया कि जो डेड सेल होती है वो डेड सेल अंदर से क्या होती है, खाली होती है, इस डेड सेल के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ओके अब सुनो, मैं कहूं कि जिस रूम में आप बैठे बैठे पढ़ रहे हो, इस रूम को अगर पूरा खाली कर दिया जाए,
है ना, इस रूम के अंदर से बेड भी हटा दे, इस रूम में टेबल भी हटा दे, इस रूम से पर्दे भी हटा दे, है ना, इस रूम से चेयर भी हटा दे, कुछ भी नहीं छोड़े, केवल दीवारें हो, तो ऐसी सेल कौन सी देखी गई थी? डेड सेल देखी गई थी। तो ऐसा खाली कमरा जो होता है, ऐसे खाली कमरे में कौन रहते हैं? मॉन्क रहते हैं। कौन से रहते हैं? मॉन्क रहते हैं। तो इसने क्या किया, डेड सेल को कंपेयर कर दिया किससे? कंपेयर विद ए मॉन्क रूम, कंपेयर विद ए मॉन्क रूम। बताइए मॉन्क क्या होते हैं? यस, व्हाट इज द मॉन्क? हाँ, व्हाट इज द मॉन्क? हमने कहा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि 1665 में डेड सेल जो मिली, उस डेड सेल को क्या किया, उसने मॉन्क रूम से कंपेयर कर दिया। तो बताइए व्हाट इज द मॉन्क? हाँ, मॉन्क क्या होते हैं? सुना है नाम कभी ऐसा कुछ, मॉन्क? हाँ, मॉन्क में ये कह सकता हूं जो सन्यासी होते हैं, है ना, हाँ, सेंट सन्यासी, है ना, हाँ, जो सन्यासी होते हैं उनके कमरे में कुछ नहीं होता है, है ना, हाँ, ओल्ड मॉन्क सुना है ना, हाँ, ओल्ड मॉन्क क्यों नहीं सुना, ठीक है, हाँ, तो जो सन्यासी होते हैं वो सन्यासी क्या, उनके कमरे में कुछ भी नहीं होता है, है ना, और कुछ भी नहीं होता है, इट मीन्स अंदर से पूरा क्या होता है, खाली होता है ना, और खाली अगर होता है तो मैं कह सकता हूं कि खाली अगर होता है तो उसमें हमने कहा कि डेड सेल भी हमें देखने में कैसी मिली, एकदम खाली मिली। और डेड सेल के बारे में जो पहली बुक पब्लिश हुई वो क्या थी, माइक्रोग्राफिया थी। वो क्या थी आपकी? माइक्रोग्राफिया। चलिए, इसके अलावा रॉबर्ट हुक ऐसा बंदा था, अरे मैं कहूं कि अगर मुझे सेल को देखना है तो मुझे क्या काम में लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप काम में लेना पड़ेगा। क्या काम में लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक पहला ऐसा बंदा था जिसने अपनी स्टडी के अंदर माइक्रोस्कोप काम में लिया। इससे पहले किसी ने भी माइक्रोस्कोप काम में नहीं लिया था। इस बंदे से पहले किसी ने भी अपनी स्टडी के अंदर माइक्रोस्कोप काम में नहीं लिया था। तो ये भी लिख लो कि रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज द माइक्रोस्कोप इन हिज स्टडी, है ना। रॉबर्ट हुक पहला ऐसा बंदा था जिसने अपनी स्टडी के अंदर किसको यूज किया था, माइक्रोस्कोप को यूज किया था। जिसने अपनी स्टडी के अंदर किसको यूज किया था, माइक्रोस्कोप को यूज किया था। इससे पहले आपके माइक्रोस्कोप को किसी ने भी यूज नहीं किया, इससे पहले माइक्रोस्कोप को किसी ने भी यूज नहीं किया था। ओके, तो दिस इज द रॉबर्ट हुक, दिस इज द रॉबर्ट हुक। ओके, चलो, हाँ, क्लियर यहां तक कि रॉबर्ट हुक के बारे में हमने बेसिक चार पांच बातें देखी कि पहला रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल को डिस्कवर किया। और डेड सेल को किसमें देखा, ये भी लिख लेना, किसमें देखा था डेड सेल को? हाँ, कोर्क ऑफ ट्री में, है ना, किसमें देखा था? हाँ, कोर्क ऑफ ट्री में देखा था। दिस इज द रॉबर्ट हुक, दिस इज द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हमें सिंपली पता होना चाहिए कि इसने बंदे ने डेड सेल को देखा, डेड सेल के बारे में इसने क्या कह दिया, डेड सेल के बारे में इसने एक बुक लिख दी, बुक का नाम क्या दे दिया, माइक्रोग्राफिया दे दिया। इसके अलावा इसने कहा कि जो डेड सेल है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कैसी दिखती है, मॉन्क के रूम के जैसी दिखती है। इसके अलावा ये पहला बंदा था जिसने माइक्रोस्कोप को यूज किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इट मीन्स माइक्रोस्कोप पहले बन गया था। माइक्रोस्कोप क्या हो गया था? पहले बन चुका था। माइक्रोस्कोप कब बना था? माइक्रोस्कोप जो था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? डिस्कवर बाई हैंस एंड जेचेरियस। हैंस एंड जेचेरियस, है ना, हाँ, दो साइंटिस्ट थे आपके, हैंस एंड जेचेरियस। इन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, हैंस एंड जेचेरियस। और हैंस एंड जेचेरियस ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था 1590 के अंदर। कब किया था? 1590 के अंदर आपका माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। लेकिन यूज कब लिया गया? 1665 में। उससे पहले किसी ने भी अपनी स्टडी के अंदर इसको यूज नहीं लिया था। दिस इज द माइक्रोस्कोप, है ना। तो माइक्रोस्कोप के बारे में भी एक लाइन याद रखना,
इसके अलावा ये तो बात थी किसकी, डेड सेल की। इसके बाद आते हैं अपन कौन सी सेल पे, लाइव सेल पे। बताओ लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया, यस लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया, लाइव सेल। हाँ, लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया, यस शाबाश कामना, डिस्कवर्ड बाई एंटनी वैन लेवनहुक। एंटनी वैन लेवनहुक है ना, वैन लेवनहुक कह सकते हो, एंटनी वैन लेवनहुक कह सकते हो, यस। इस बंदे ने क्या किया था, सबसे पहले आपका लाइव सेल को डिस्कवर किया था। ये भी रॉबर्ट हुक के मासी का बेटा था, है ना। हाँ, रॉबर्ट हुक लेवन हुक है ना, ये एक ही जगह थे, है ना, भाई भाई थे दोनों, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, आपकी कौन सी सेल, लाइव सेल को डिस्कवर किया था। कब किया था, डेड सेल के 9 साल बाद, है ना। 9 साल बाद का मतलब है वो मिली थी 1665 में, और ये इसने कब कर दिया था, 1674 के अंदर। कब कर दिया था, 1674 के अंदर कर दिया था। ओके, अब सुनो किसके अंदर किया, उसने तो पेड़ की छाल में देखी, लेकिन इसने किसमें देखा, लाइव सेल को किसके अंदर देखा गया सबसे पहले, लाइव सेल को सबसे पहले किसके अंदर देखा गया, हाँ, लाइव सेल को सबसे पहले किसके अंदर देखा गया, है ना। ये जो एंटनी वैन लेवनहुक था, ये बंदा एक दिन क्या था, परेशान था, है ना, अपने घर पे लड़ाई वड़ाई हो गई थी अपनी वाइफ से, और उसके बाद दुखी होके कहां जाके बैठ गया। अरे आप जब दुखी होते हो तो कहां जाते हो, है ना, हाँ नहीं, एनिमल के पास तो नहीं जाते प्रीति, नहीं इसने एनिमल में देखा, है ना, हाँ एनिमल देखने जरूर जा सकता है बंदा, हाँ बैक्टीरिया मंदिर जाते हैं कि हाँ, मंदिर जाने वाले तो कम ही होते हैं, ठीक है, कि हाँ भी दुखी हो गए चलो मंदिर चलते हैं, है ना, हाँ अपन बढ़िया जगह एकदम शांति में जाके बैठना पसंद करते हैं, मंदिर भी इसीलिए जाते हैं कि शांति मिलती है ना। तो अगर किसी के घर के आसपास नदी हो तालाब हो तो हम कहां जाते हैं, नदी के पास तालाब के पास, कि भाई थोड़ी देर जाके नदी किनारे बैठेंगे, बढ़िया शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तो मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो वैसे ही अपने एंटनी वॉन लेवनहुक चले और एक तालाब के पास जाके बैठ गए, है ना, और तालाब में जब पैर डुबो के बैठे तो इन्होंने देखा कि तालाब के अंदर क्या होती है, काई होती है, देखिए काई, यस जिसे हम कहते हैं अलगाई, है ना, हरे हरे कलर की क्या होती है, काई होती है, और वो हम क्या कहते हैं, उसे साइंटिफिक नेम होता है उसका अलगाई, यस दिस इज द अलगाई, है ना, हाँ। और अलगाई को उसने देखा कि ये अलगाई क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। आप सबने अलगाई देखी होगी, अलगाई में जो करेक्टरिस्टिक अभी ऊपर हमने पढ़े थे, है ना, मैं कहूं कि मैं अगर अलगाई देख रहा हूं तो मुझे इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, जो क्या मिलेगा, मूवमेंट, कि आपकी जो अलगाई होती है वो क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, आपकी अलगाई क्या करती रहती है, मूवमेंट। तो इस रॉबर्ट जो लेवनहुक था, इस लेवनहुक ने देखा कि ये जो अलगाई है ये क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है ना, पैरों के आके अपने आप चिपक रही है, अपने आप क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो इसने सोचा ये कुछ अलग चीज है, और ये उसको वहां से उठा के लाया, अपनी लेबोरेटरी में ले जाके रिसर्च की, फिर उसने पाया कि ये तो क्या है, लाइव सेल है। तो यहां से लाइव सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो हमने कहा डिस्कवर्ड बाई एंटनी वॉन लेवनहुक 1674, और इसने क्या देखा, फाउंड द लाइव सेल इन पोंड वाटर, तालाब के पानी के अंदर इसे क्या देखने को मिला बच्चों, लाइव सेल देखने को मिली, और इस लाइव सेल को इसने क्या कह दिया, अलगाई कह दिया, क्या कह दिया, अलगाई। ये जो लाइव सेल थी उसे हमने क्या नाम दिया, अलगाई नाम दिया। अलगाई के अंदर पूछा जाता है, अलगाई के अंदर है या लाइव सेल का कौन सा करेक्टरिस्टिक इसको देखने को मिला, लाइव सेल के अंदर है इसको कौन सा करेक्टरिस्टिक देखने को मिला, तो हम कहते हैं ही सा मूवमेंट इनसाइड द लाइव सेल। उसने सबसे पहले लाइव सेल के अंदर क्या देखा, मूवमेंट देखा, इसने
लाइव सेल के अंदर क्या देखा, सबसे पहले मूवमेंट देखा और इसी के बेसिस पे, इसी मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसने इसे क्या कह दिया था, लाइव सेल कह दिया था। क्या कह दिया था? लाइव सेल। लाइव सेल को हम क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, वायरस भी कह सकते हैं, फंगस भी कह सकते हैं। वो अपन ने अभी जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी की सारी क्या है आपकी, लाइव सेल है। वो सारी की सारी क्या है, लाइव सेल है। बच्चों हुई बात क्लियर कि डेड सेल कौन सी होती है और लाइव सेल कौन सी होती है, डेड सेल कौन सी होती है और लाइव सेल कौन सी होती है, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया और किसके अंदर डिस्कवर किया, ये तीनों चीजें याद रखने वाली है ना, कि आपकी सेल को डिस्कवर किसने किया, किसके ऊपर किया या कहां पे किया और कब किया। ओके, तो दिस इज द लाइव सेल एंड ए डेड सेल, दिस इज द लाइव सेल एंड ए डेड सेल। बताओ इसके अलावा देखो, इसे हम सेल ही क्यों नाम दिया, है ना, ऐसा सोचा है कभी कि हमें इसे सेल नाम क्यों दिया। यस, इसके अलावा और सेल नाम कहां सुना है आपने, इसके अलावा और सेल नाम कहां सुना है, सुना है इसके अलावा सेल, हाँ बैटरी वाला सेल है ना, हाँ बैटरी वाला सेल होता है। इसके अलावा, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा भी कहीं सुना हो, और नहीं सुना कभी आपने, सुना होगा सेल फोन, सुना है, यस कहते हैं दीपा, हाँ सेल फोन सुना है, सेल फोन, यस पहले जो फोन आते थे है ना, पहले जो फोन आते थे बड़े ही, अगर आपने देखे होंगे लैंडलाइन वाले फोन, तो साइज के अंदर क्या होते थे, बड़े होते थे है ना, और जब साइज में बड़े होते थे, यस नोकिया है ना, नोकिया नहीं, हर फोन को सेल फोन कहते हैं, मैं कहूं आजकल एंड्रॉइड फोन कहने लगे। अगर मैं कहूं कि पहले जो फोन आता था इतना बड़ा होता था है ना, लगभग इतना बड़ा फोन होता था है ना, और उसके बाद हाँ उसके बाद क्या आ गया, छोटा फोन आ गया, तो छोटी चीज को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो हमने कह दिया दिस इज द सेल फोन, ठीक है। बैटरी पहले इतनी बड़ी आती थी, इस बैटरी का एक छोटा रूप आया तो हमने उसे कह दिया क्या, सेल, उसे हमने क्या कह दिया, सेल कह दिया। इसके अलावा जो रूम होता है ना, इस छोटे रूम को भी क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में हम कहते हैं जेल को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल का मतलब है कि ये क्या है, एक छोटा सा कमरा है। अरे जेल वाले को भी सेल कहते हैं नहीं कहते, यस तो मैं कह सकता हूं कि छोटी चीज को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर भी जो छोटी चीज देखने को मिली उसे हमने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया, उसे हमने क्या नाम दे दिया, सेल। सेल को बिगिनिंग के अंदर क्या नाम से जाना जाता था, स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग सेल इज नोन एज सेलूला। सेल किस नाम से जानी जाती थी, सेलूला के नाम से जानी जाती थी। स्टार्टिंग के अंदर आपकी सेल किसके नाम से जानी जाती थी, सेलूला के नाम से जानी जाती थी। फिर धीरे धीरे इसको नाम क्या दे दिया गया, सेल नाम दे दिया गया। और सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम कह सकते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ओके चलो, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन था, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यस लुईस पास्टर। हाँ ये क्वेश्चन ढंग से देखो, है ना, हाँ एक क्वेश्चन और, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, दोनों अलग अलग है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, हाँ तो दोनों के ही आंसर अलग है। अगर सिंपली माइक्रोबायोलॉजी पूछे तो वो कौन होगा आपका, वो होगा एंटनी वॉन लेवनहुक, है ना, एंटनी वॉन लेवनहुक, यस दिस इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हाँ नहीं कीर्ति उल्टा बता रहे हो आप, है ना, हाँ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटनी वॉन लेवनहुक है, जबकि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, जो आप बता रहे हो कौन है, लुईस पास्टर, लुईस पास्टर, याद रखना लुईस पास्टर बाद में आया था, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी वाला बंदा कौन था, लुईस पास्टर था। नहीं
ऐसा नहीं था। एक बार देखना आप वापिस, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज द लुईस पास्टर और माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वॉन लेवेनहुक, है ना? हाँ नहीं जुबेर, एक बार है ना आप वापिस देखना। और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी वाला कौन है? लुईस पास्टर, है ना? हाँ देख के कंफर्म करना, ठीक है? ओके चलो, तो लुईस पास्टर एंड एंटनी वॉन लेवेनहुक, एंटनी वॉन लेवेनहुक है ना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। चलो इसके आगे बात करते हैं कि एक आई क्या सेल थ्योरी आई, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक क्या आई सेल थ्योरी आई। और सेल थ्योरी अगर आई तो सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी है ना, पहली चीज तो सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी, हाँ सही हो ना? हाँ ओके, है ना, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दे दी? 1838 और 1839 के अंदर। किसने दे दी? 1838 और 39 के अंदर। किसने दी? सिंगर एंड निकोलसन, है ना, किसने दी? सिंगर एंड निकोलसन। सेल थ्योरी जो 1838 एंड 1839 के अंदर आई थी, सेल थ्योरी रिपीट होती थी, जो स्टार्टिंग की जो सेल थ्योरी थी है ना, वो किसने दी थी? वो दी थी थियोडर, थियोडर स्वान, थियोडर स्वान। एंड इसके साथ साथ कौन था? मैथियसिस था। कौन था? मैथियसिस, थियोडर स्वान एंड मैथियसिस, यस थियोडर स्वान एंड मैथियसिस, है ना, थियोडर स्वान एंड मैथियसिस ने मिलकर क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी 1838 एंड 1839 के अंदर। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है बच्चों कि कोई भी जो सेल होती है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, है ना। सेल थ्योरी क्या कहती है? कि अपनी कोई भी सेल है वो किससे बनती है? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। आप आगे पढ़ेंगे अपने सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में हम कहते हैं कि जो एक सेल होती है वो आगे चलकर क्या बना लेती है? दो सेल, दो सेल आगे चलकर क्या बना लेती है? चार सेल। इट मीन्स जो चार सेल बन रही है वो किससे बन रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। ये किससे बनी? प्री एग्जिस्टिंग से। तो जो सेल्स होती है वो किससे अराइज होती है? आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। या एवरी लाइफ, है ना, कि मैं कहूं कि कोई नया जिंदगी है, नई जिंदगी मतलब बच्चा जो होता है, तो वो किससे अराइज होगा? प्रीवियस लाइफ, या मैं कह सकता हूं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से अराइज होगा, है ना, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अराइज होगा, एक सेल दूसरे सेल से अराइज होगी। यानी कि हर चीज अपनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से ही क्या होती है? अराइज होती है। दिस इज द सेल थ्योरी, दिस इज द सेल थ्योरी, ओके। और ये सेल थ्योरी देने वाला बंदा कौन था आपका? स्टार्टिंग में जो सेल थ्योरी दी गई थी वो देने वाले कौन थे आपके? थियोडर स्वान एंड मैथियसिस थे। थियोडर स्वान एंड कौन था साथ में? मैथियसिस था, ओके हाँ। इसके बाद इसका अपडेट होता रहा, है ना, हर 5-7 साल से आपकी सेल थ्योरी अपडेट होती है, लेकिन स्टार्टिंग वाली जो सेल थ्योरी अपडेट करने वाला बंदा कौन था आपका? दिस इज द मैथियसिस एंड दिस इज द मैथियसिस एंड थियोडर स्वान। और लास्ट अभी जो चल रही है वो कौन है? लास्ट अपन ने किसे कहा था? लुईस पास्टर, है ना। और लुईस पास्टर ने ही कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है वही नई लाइफ को बनाएगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वही नई सेल को बनाएगी। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे माना अपन ने? लुईस पास्टर को माना। और इसके अलावा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो स्टार्टिंग में आया था वो कौन था? एंटनी वॉन लेवेनहुक था। कौन था? एंटनी वॉन लेवेनहुक। चलिए, ये था सेल का इंट्रोडक्शन, ये था आपकी सेल का इंट्रोडक्शन, कि जो सेल जो है वो कहां से आई, किसने बनाई, क्या क्या सेल के अंदर अपने को देखने को मिलता है, ओके क्लियर यहां तक? हाँ, कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, जैसे रॉबर्ट हुक हुआ, एंटनी वॉन लेवेनहुक हुआ, है ना। इसके अलावा अपना कौन थे? जचेरियस था, जिसने किसको दिया था? माइक्रोस्कोप को दिया था। इसके अलावा सेल थ्योरी देने वाले बंदे कौन थे? थियोडर स्वान एंड मैथियसिस, थियोडर स्वान एंड मैथियसिस। इन बंदों ने क्या दी थी? अपने सेल की थ्योरी दी थी। यहां तक की बात क्लियर बच्चों? हाँ चलो क्लियर, तो फिर आगे चलते हैं, है ना।